चलिए शुरू करते हैं अभागी का स्वर्ग उपन्यास का चौथा भाग। दूसरे दिन रसिक दूल्हे समय अनुसार जब आ उपस्थित हुआ उस समय अभागी को जरा भी होश नहीं था। मुंह पर मृत्यु की छाया पड़ रही थी। आंखों की दृष्टि इस संसार के कार्य को त्याग कर किसी अनजाने देश में चली गई थी। कंगाली ने रोकर कहा, अरे माँ, पिता आए हैं, पांव की धूली लोगी ना। माँ शायद समझी, शायद नहीं समझी, शायद गहराई तक संचित उसकी वासना ने संस्कार की भांति उसकी दबी हुई चेतना पर आघात पहुंचाया। इस मृत्यु पथ के यात्री ने अपने विवश भुजाओं को शैया से बाहर बढ़ाकर हाथ झुका दिए। रसिक हतप्रभ खड़ा रहा। पृथ्वी पर उसकी पद धूलि का कोई प्रयोजन है? इसे भी कोई जा सकता है? यह उसकी कल्पना से परे था। बिंदी की बुआ खड़ी हुई थी, उसने कहा, दो बाबा, थोड़ी सी पांवों की धूलि दे दो। रसिक आगे बढ़ गया। जीवन भर स्त्री को उसने प्यार नहीं दिया, भोजन वस्त्र नहीं दिया, कोई खोज खबर नहीं ली। अब मृत्युकाल में उसे केवल थोड़ी सी पद धूलि देते समय वह रो उठा। राखाल की माँ बोली, ऐसी सती लक्ष्मी ब्राह्मण कायस्थों के घर में न जन्म लेकर हम दुलों के घर में क्यों जन्मी? अब तो उसकी गति सुधार तो बेटा। कंगाली के हाथ से अग्नि पाने के लोभ में उसने अपने प्राण दे दिए हैं। अभागी के देवता ने परोक्ष में बैठकर क्या सोचा था पता नहीं, पर बालक की छाती में वो बात तीर की भांति बिन गई। उस दिन का समय तो कट गया, पहली रात भी कट गई, परंतु सवेरे के लिए कंगाली की माँ और प्रतीक्षा नहीं कर सकी। कौन जाने इतनी छोटी सी जाति के लिए भी स्वर्ग के रथ की व्यवस्था है अथवा नहीं, अथवा अंधेरे में पैदल ही उन्हें जाना पड़ता है। परंतु यह समझ में आ गया कि रात पूरी समाप्त होने से पहले ही उसने इस दुनिया को त्याग दिया। झोंपड़ी के आंगन में एक बेल का पेड़ है, कहीं से कुल्हाड़ी लाकर रसिक ने चोट की अथवा नहीं की, परंतु जमींदार का दरबान कहीं से दौड़ा चला आया और उसके घाल पर तड़ाक से एक चांटा कस दिया। फिर कुल्हाड़ी छिनता हुआ बोला, बेटा, यह क्या तेरा अपना पेड़ है जो काटने लग गया? रसिक घाल पर हाथ फेरने लगा। कंगाली रोता हुआ सा बोला, वाह, यह तो मेरी माँ के हाथ का लगाया हुआ पौधा है दरबान जी, पिताजी को तुमने खामखा क्यों मारा? हिंदुस्तानी दरबान तब उसे भी एक घाली देकर मारने लगा। परंतु वह अपनी मरी हुई माँ की मृत देह से स्पर्श किए हुए बैठा था, अतः असोच के भय से उसके शरीर पर हाथ नहीं मारा। शोरगुल से एक भीड़ जमा हो गई। किसी ने भी इस बात से इनकार नहीं किया कि बिना आज्ञा लिए रसिक का पेड़ काटना ठीक नहीं था। वे सब फिर दरबान जी के हाथ पांव छोड़ने लगे कि कृपा करके उसे हुक्म दे दें, कारण बीमारी के समय जो कोई देखने को आया था कंगाली की माँ उसी का हाथ पकड़कर अपनी अंतिम अभिलाषा व्यक्त कर गई थी। दरबान बुलावे में आ जाने वाला पात्र नहीं था। उसने हाथ हिलाकर कहा, ये सब चालाकी मेरे सामने नहीं चल सकती। तो ये था अभागी का स्वर्ग का चौथा भाग।